गंदा वाला। ये हमारा नॉर्थ बंगाल का आन बान शान है, जलपेश मंदिर। सब्सक्राइबर्स हैं, दूर से बता पीछे के। आप लोग मत ही आओ इस मेले में, इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है। सो हेलो गाइस, दिस इज फनी रॉय एंड यू आर वाचिंग एडवेंट मनी पाई। तो कैसे हो आप सब? फिर से आ गया मैं, और आज मेरे ब्लॉग में कोशिश नहीं है, पहले बता देता हूँ लेकिन है मेरे ब्लॉग में, ठीक है? जो भी है, तो आज मैं थोड़ा आया था घूमने के लिए। मैं नहीं, ये चारों मिल के आए थे हम, तो थोड़ा जटलेश्वर की तरफ आए हैं, इसके बाद जाएंगे हम जलपेश की तरफ, और आज है शिव चतुर्दशी। आज मैं 8 बजे उठा था लेकिन फिर से सो गया था, फिर फ़ोन आया, फिर उठ गया मैं, तो इन सबको रेडी करके लाया। अभी 10:18 हो रहा है, तो अभी मैंने 5 रुपये वाला ये टिकट ले लिया और अभी हम अंदर जाएंगे। बहुत ही क्राउड है बाहर, बाय द वे देख सकते हो इतना क्राउड है। और इधर चंदू भाई अपना टिकट लिया। मैंने लाया। तूने लाया, बट पैसा किसने दिया? मैंने दिया पूरा, और कौशिक का, और कौशिक का पैसा भी मैंने दिया। इसका पैसा खुद दिया इसने, और इसका पैसा भी मेरे हिस्से में आ रहा है, तो इसका पैसा भी मैं ही दे दूंगा, कोई ना। सो ये है अपना जटलेश्वर मंदिर जो मेन है, ठीक है? तो ये वाला है, यहाँ पे रेलिंग है, पूरा घूमता है। वहाँ से मैं जाता लेकिन वहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, दैट्स वाई मैं उधर नहीं जा रहा। यहाँ पे अपना घाट है, ठीक है? घाट में हम यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे, यहाँ पे गप्पे वप्पे मार रहे थे। अभी भीड़ है बहुत लंबा, मैंने जो लाइन दिखाया था वो लाइन सीधा यहाँ पे होके मतलब बहुत पीछे तक जा रहा है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब के मुँह से मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द सुने जाए। गाइस मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा यूट्यूबर के साथ मेरे को एक मौका मिला है ब्लॉग्स बनाने का, इसके ब्लॉग्स में आने के लिए। ये टांग खींच रहा है भाई, दबे तू बता दे। मेरे को घटिया लग रहा है इसके साथ आने के लिए। अच्छा, तो तेरे को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं, इसको मैंने पैसा खिलाया, ठीक है? इसको मैंने पैसा खिलाया, और ये तो पता ही है, इसको मैं ब्लॉग में लेना नहीं चाहता फिर भी आ जाता है। आई डोंट नो कैसे इसने मेरे पे काला जादू कर दिया है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सकते हो लाइन यहाँ से स्टार्ट होके फिर पीछे तक पीछे घूम के वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे घूम के यहाँ से जाके फिर यहाँ से वहाँ तक जाता है। तो गाइस हम अभी जलपेश के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ मैं फ़ोन कैसे पकड़ा, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है रास्ते में, और रास्ता ये है, तो चलते हैं। मैं एकदम मुँह ऐसे 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 आ गया, ठीक है? यहाँ पे सीन पूरा ही गंदा वाला है। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत भीड़ था, लाइक अभी थोड़ा बहुत कम हो गया। अभी देख सकते हो अंदर कितना भीड़ है, ठीक है? तो क्या ही गंदा वाला क्राउड है। ब्रो क्राउड कैसा है? बहुत ज़्यादा, कहीं इतना भीड़ है कहीं बताओ, मतलब चलने में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ही गंदा वाला। ये हमारा नॉर्थ बंगाल का आन बान शान है, जलपेश मंदिर। या एकदम सही, तो सीन कुछ गलत वाला है वो, मतलब मेन क्राउड हम पार किए हैं, अभी इस तरफ और क्राउड है। माँ कसम यार, इस गंदे वाले क्राउड में ना, मतलब कौशिक को मैं सोच रहा हूँ कि धकेल दूँ किसी के ऊपर, बस खत्म। कौशिक खत्म, टाटा बाय बाय। क्या तो इधर शिव चतुर्दशी गेट, यहाँ से स्टार्ट होता है लाइन, और ये इतना गंदा वाला आज लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको मैंने दिखा दिया था सर्कल कितना बड़ा होता है, इधर कुछ सही नहीं है, क्राउड पूरा ही गंदा वाला क्राउड होने वाला है। देखो इधर से लाइन स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे पूरा ही लाइन है, कितना लाइन है आई डोंट नो, मतलब है 3-4 लाइन। इधर पूरा लाइन होके आपको जो रेलिंग दिखाया था मैंने, उस तरफ को रेलिंग के तरफ जाता है। फिर एक से दिखा देता हूँ, इधर गंदा वाला क्राउड है, पूरा लाइन है, बट लाइन समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि जस्ट भीड़ है। यहाँ पे 2-3-4 कितने सारे लाइन है आई डोंट नो। पीछे से यहाँ पे जाके रेलिंग में जाता है, ठीक है? तो पीछे जो रेलिंग दिखता है आपको, दिखाया जाता है मैंने, इस रेलिंग पे एंटर होते हैं सब, फिर वहाँ पे रेलिंग पे जाके पेचीदा, और ऊपर उधर भी लाइन है, आपको दिखाता हूँ मैं। वाओ, वेरी डेंजरस। इस तरफ से चल के आया, फिर से इस तरफ जाने का मतलब कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन मैंने सोचा अभी क्राउड ज़्यादा है तो अभी शूट कर लेता हूँ, तो फिर से मेरे को सामने की तरफ जाना पड़ रहा है उस सीन को लेने के लिए। तो मैंने जलपेश एक्सप्लोर किया है, अभी सब दिखाने की ज़रूरत है नहीं। और डिड यू गेट टू सी कि मेरे पसीना है मेरे मतलब बदन पे, तो ये सब है इस भीड़ पे चलने के अलावा।
अगर आपको भी ये एक्सप्लोर करना है तो आ सकते हो, मतलब बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो दैट्स व्हाई मैंने सुबह को उठा था, उठ के फिर जल्दी से यहाँ पे आ गया। अभी क्राउड कमा नहीं, उधर जितना था वही उतना ही है, तो देखते हैं। अभी सामने आपको दिखाना है कैसा है क्राउड। इधर से टिकट लेना पड़ता है आपको, अगर मतलब पूजा करना है तो यहाँ से टिकट ले सकते हो। फिर इधर गंदा वाला क्राउड, अगर एक बार फंस जाओगे ना तब पता चलेगा कि कैसा क्राउड है यहाँ पे। यहाँ पे भी गंदा हो तो यहाँ पे भी गंदा वाला सीन हो रखा है। तो देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब ये लाइन लंबा, यहाँ से आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऐसे लौटा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड करके फिर पीछे तक गया है। कहाँ तक गया है आई डोंट नो। पसीना आया ब्रो तेरे को? आया इसको पसीना आया। ये कहाँ डिमाजिन की कैसा हालत है यहाँ पे, पैर कैसे फिर ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है। ठीक है, यू कांट इमेजिन, लिटरली इतना भीड़ है, इतना क्राउड है कि मतलब चलना भी पड़ रहा है ना, तो मतलब सोच सोच के पैर फैलाना पड़ रहा है कि अभी पैर फैलाना सही है या नहीं। मतलब जो नहीं गया कभी इस गंदे वाले क्राउड से वही जाए, भाई मैं तो थक गया पूरा। तो उस गंदे वाले भीड़ से निकलने के बाद हम मेले की तरफ जा रहे हैं। और एक बात कौशिक से पूछ लेते हैं कि क्राउड में मज़ा कितना आया। एक बार तो आए थे, फिर गए थे, फिर आए थे, तीन बार। कैसा मज़ेदार था भाई, एकदम मज़ेदार है, एडवेंचरिंग था, पूरा ही एडवेंचरिंग। मैं नहीं मानता, सीन हो रखा है। इधर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये अलग सा रास्ता है जिस रास्ते से हम उस दिन गए थे, ठीक है, तो उस रास्ते से लोग आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई उस तरफ से आ रहे हैं, मतलब उधर का लोकल्स है जो मतलब मेले में आ रहे हैं या पूजा देने के लिए आ रहे हैं, तो सोच सकते हो अभी कितना भीड़ बढ़ने वाला है। और तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हो गया, जो मेरा सब्सक्राइबर्स है, नहीं मतलब ऐसा फ्रेंड है जैसे सब्सक्राइब बोला आपने, अरे ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अच्छा कि यहाँ से मतलब इस तरह इस साइड टेम्पल है और उस साइड मेला लगता है, तो दोनों तरफ को कनेक्ट करता है ये वाला ब्रिज। और रेडी हो गया, इसका हालत इस बार तो सही बनाया कि मतलब ऊँट से बनाया, इससे पहली बार तो क्या था मतलब बांस से बनाया हुआ था, तो सीन कुछ दिन में ख़राब हो जाता है। दिस इज़ द मेन गेट ऑफ जलपेश मेला, ठीक है, इधर से सारे लोग आते हैं, मेन गेट है। इस तरफ सारा सेंटर है, जैसे कि जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग, उधर सीसीटीवी, उधर पुलिस, उधर फायर ब्रिगेड, ऐसा सब इधर है। और ए साइड प्रदर्शनी है, ये किसी और दिन मैं एक्सप्लोर कर दूंगा पूरा, नेक्स्ट जो मेरा जलपेश का व्लॉग आएगा उसमें। जैसे कहा था इस तरफ पूरा खाने का लाइन लगता है, जैसे कि लाइक अभी देख सकते हो ये पूरा लेंथ आपको खाने का ही मिल जाएगा सिर्फ, या वैसे होटल वगैरह लगता है और कुछ नहीं, ये भी होटल के लिए है इस साइड को भी। मतलब ओ दादू 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 हैं, आई डोंट थिंक कि मतलब हमें मंदिर में जाके भी मतलब थोड़ा बहुत हल्का फील होगा, इससे भी ज़्यादा होने वाला है। और मैं आपको क्राउड दिखाने के लिए मैं क्राउड के बीच में से तेज़ी से बाहर रहा हूँ, ठीक है, तो देखते हैं मंदिर जाके क्या सीन रहता है। सब लोग बता कैसा है एक्सपीरियंस बता जोर से बता पीछे के। आप लोग मत ही आओ इस मेले में, इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है, क्या ही बताओ, जस्ट अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव एवर सीन। हमारे पीछे और मेंबर है जिनका हमें लेना है रिएक्शन, जो भी इतना पीछे चले गए क्या ही बताए। ब्रो रिएक्शन नहीं है, नहीं दिया रिएक्शन, कोई ऐसा वैसा नहीं मिला रिएक्शन हमें। ऐसा है तेरा रिएक्शन बढ़िया, तेरा रिएक्शन घटिया नहीं, इतना मतलब मेहनती और एडवेंचरिंग है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखो सामने कैसा रास्ते का हाल कैसा है, सो अंदाज़ा लग गया शायद आपको कि कैसा सीन है, कितना धीरे धीरे चल रहा है, दो दिन से तो इसी रास्ते से चल रहे हैं। तो देखो हम आ गए हैं फिर से वो पीछे वाले गेट के इधर, उधर ऐसा क्राउड है पहले से ज़्यादा है, अभी कैसे जाना है समझ में नहीं आ रहा है। इस रास्ते से जाना मतलब मौत को गले लगाना है और कुछ नहीं, देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है। तू मौत के लिए रेडी है? ओए चंदू तू रेडी है मौत के लिए?
अभी हम इधर क्या करने जा रहे हैं, वही तो करने जा रहे हैं, बस खुद खुशी करने जा रहे हैं। भाई कब किसके पैर के नीचे आ जाएगा कोई अता बता है नहीं। कौन सा? अरे रास्ता देख ना तू, पहले क्या था अभी क्या हो गया। अंदर इससे भी गंदा वाला होने वाला है। ठीक है चलो हम फिर से यहाँ से घाट के इधर से जा रहे हैं। अभी भीड़ से निकलेंगे, देख सकते हो इधर छाव है बहुत। हम भीड़ से निकलेंगे अभी फिर से, हम अभी जल्दी से निकल रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ एक्सप्लोर करना भी नहीं है, एडवेंचर करना भी नहीं है। अभी हालत एकदम ख़राब है, अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है। मैं आई डोंट नो, मैं मेरा दिमाग चकरा गया है, दिमाग मेरा ख़राब हो गया है। आई लूज माई ब्रेन, what I am trying to do is that I am signing off this video here because मेरा दिमाग का स्क्रू अभी ढीला है पूरा। ठीक है तो ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं।